का श्रावण मास में हम कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे जो ज्ञानवर्धक भी है, और श्रावण मास वैसे भी सुनने का महीना है जिसमें वेद श्रुति इत्यादि सुनी जाती हैं। तो आज हम शब्द लेते हैं गुरु। गुरु शब्द वह शब्द है जो हम सभी जानते हैं, लेकिन गुरु की परिभाषा क्या हो सकती है? अगर सही मायने में कहा जाए, वह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना जो हमें कहीं न कहीं पर मार्गदर्शन करती है, वह गुरु रूप में है। जीवन में प्रत्येक वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे दिया, दिया हमें हमेशा ऊर्ध्वगमन की का संदेश देता है कि हम किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमेशा हमारी यात्रा हमेशा अपने विकास के लिए हो, समाज के विकास के लिए हो, गाँव के विकास के लिए हो, देश के विकास के लिए। जिस प्रकार लौ हमेशा ऊपर की ओर गमन करता है, ऐसे हमारा जीवन हमेशा ऊर्ध्वगामी हो। उसी प्रकार से मधुमक्खी से सीखें कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी पूरा जीवन शहद इकट्ठा करने में बिता देती है, और जब उसका खाने का टाइम आता है तो कोई और ही उस मधु को निकाल ले जाता है। जिस प्रकार से पेड़ की छांव प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है, वो राजा रंक किसी को नहीं देखती, जो भी पेड़ के नीचे जाएगा उसे निश्चित रूप से छांव मिलेगी। उसके फल भी लगभग सभी के लिए होते हैं, जो पहुंच सकता है वहां तक उन्हें फल प्राप्त हो जाते हैं। और प्रकृति का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ निश्चित रूप से सिखाती है। तो हम इन सभी प्रकृति के द्वारा दिए हुए स्वरूपों को नमन करते हुए अपने गुरुजनों को भी नमस्कार करें, और उसके साथ उन सभी गुरु स्वरूप जिनसे हमने कुछ भी सीखा है उनको नमन। इस प्रार्थना के साथ इस श्रावण मास में हम प्रवेश करेंगे।